हमारे पास 1600 रुपए का ऐसा बैग है जिससे आपकी गाय अगर 10 लीटर लग रही तो 12 लगेगी। मैं एक दिन के 10,000 रुपए कमाता हूँ, क्योंकि गर्मियों में पानी की समस्या की वजह से बहुत सारे पशुपालकों के पास हरा चारा भी नहीं होता है। नेचुरल कंपनी का एक सबसे बड़ा ब्रांड है जिसकी वजह से नेचुरल कंपनी चल रही है। मेरा कनक पशु आदि सस्ता है, मैं गवर्नमेंट संस्था का सांची खुदाना यूज करता हूँ, वो भी सस्ता ही है। कि गर्मियों में दूध का प्रोडक्शन कम होगा, आपका 10 लीटर वाली गाय जो 7 लीटर पे आई वो 10 तो कवर नहीं करेगी। डायरेक्ट नाल के द्वारा इसको पशुओं को पिलाना है, ऐसा नहीं कि आप फीड लिया फीड के अंदर डाल के पिला दो तो काम नहीं करेगा। ले लो अंदर, आप किसी को भी पिला सकते हो। मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बताता हूँ वीडियो के माध्यम से जो महंगा हो, कि कम लागत में आमदनी को कैसे बढ़ाना। मैं हर चीज़ें सस्ती बताता हूँ कि अभी आपकी लागत को कम करना है, ना कि आपकी लागत को बढ़ाना है। और उसका रिजल्ट गलत रहा तो आपके तो पैसे फालतू जाएंगे। जय श्री महाकाल सभी दोस्तों को, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार प्रीतम साकला राजपूत में। तो मैं अभी गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट, हर पशुपालकों के अंदर ये शिकायत है सभी पशुपालकों की कि गर्मियों में दूध का प्रोडक्शन कम होगा। ले बेटा, तो गर्मियों में दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने वाली कौन सी दवाई है, क्या ट्रीटमेंट है जिससे दूध का प्रोडक्शन बढ़े? हाँ, मेरी इस वीडियो के बाद में अगली वीडियो आने वाली है पशुओं की फैट के ऊपर, कि पशुओं की फैट गाय और भैंसों की फैट कैसे बढ़ाएं। तो मैं आपको बता दूं कि गर्मियों के अंदर सभी पशुओं की मिनिमम 20-30% मिल्क प्रोडक्शन कम हुआ है। उसके कई कारण होते हैं, एक तो टेम्परेचर का बढ़ना, दूसरा हरा चारा ख़त्म होना, क्योंकि गर्मियों में पानी की समस्या की वजह से बहुत सारे पशुपालकों के पास हरा चारा भी नहीं होता है, ऊपर से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब उसमें अपने को पशुओं के अंदर जो कमियाँ आ रही हैं उसको पूरी करने के लिए कौन कौन सा ट्रीटमेंट, कौन कौन सी दवाई यूज़ करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हर पशु के अंदर जो आपका पशु गर्मियों में 10 लीटर दूध लग रहा है वो मिनिमम 7-8 लीटर दूध लग रहा है। तो उसकी वजह यही है, टेम्परेचर का ज़्यादा होना, हरा चारा नहीं मिलना। तो गर्मियों में मैं क्या यूज़ करता हूँ पशुओं के लिए, क्या क्या टेक्निकल देता हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं, कि क्या आपको यूज़ करना है, क्या आपको यूज़ नहीं करना। ले बेटा जा, तो गर्मियों में मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको बता दूँ, नेचुरल कंपनी का पाइथाकोल होता है। ले बेटा, कैल्शियम, पाइथाकोल कैल्शियम यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद में और यूज़ कर रहा हूँ मैं अपना नेचुरल कंपनी का एक सबसे बड़ा ब्रांड है जिसकी वजह से नेचुरल कंपनी चल रही है, वो है अपना ग्लूकाबोस्ट। ले, बहुत तेज है यार ये, लगड़ा ना, कहाँ जाएगी तू? ले, नेचुरल कंपनी का सबसे बड़ी ब्रांड जो है, सबसे शानदार चीज़ है जिससे नेचुरल कंपनी चल रही, वो है ग्लूकाबोस्ट। तो मैं आपको बता दूँगा ग्लूकाबोस्ट के काम क्या होते हैं, तो ग्लूकाबोस्ट को उपयोग कैसे करना है। तो आइए मेरे साथ में, मैं पशुओं को आप 5 दिन तक 200 ग्राम की मात्रा में ग्लूकाबोस्ट पशुओं को पिलाइए। आपका 10 लीटर वाली गाय जो 7 लीटर पर आई वो 10 तो कवर नहीं करेगी, पर 8.5 से 9 लीटर उस दवाई से टच कर देगी। तो अपने को यूज करना है ये ग्लूकाबोस्ट, आप देख सकते हो। हर कंपनी की एक ब्रांड होती है, जो कंपनी किसी एक चीज की वजह से सबसे ज्यादा चलती है तो वो है नेचुरल कंपनी का ग्लूकाबोस्ट। आप इसको पिलाइए, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, 350 रुपये के करीब का है ये। इसको 200 ml आप पिलाइए सभी पशुओं को, मतलब 3 दिन तक पिलाना है इसको। 600 ml है, 200 ग्राम सुबह की सुबह पिलाना है इसको। और ये डायरेक्ट नाल के द्वारा इसको पशुओं को पिलाना है, ऐसा नहीं कि आप फीड लिया फीड के अंदर डाल के पिला दो तो काम नहीं करेगा। आपको डायरेक्ट ही नाल के द्वारा इसको पशुओं को पिलाना है। जैसे कैसे पिलाना है वो भी आपको बता दूँ मैं। मैं तो मेरे भीम को भी गर्मियों में देता हूँ, आपको ये बता दूँ, ये दूध बढ़ाने का काम करती है, पर मेरे पास जो भीमा है उसको भी मैं कभी कभी यही पिलाता हूँ ताकि वो अच्छे से खाए पिए, तंदुरुस्त रहे। क्योंकि ये ग्लूकोज होता है, जितनी ग्लूकोज की ज़रूरत अपने को होती है उतनी पशुओं को होती है गर्मियों में। 200 ग्राम की मात्रा में पिलाना है, ये नाल है अपनी 200 ग्राम की होती है लगभग, आप देख सकते हो किस प्रकार निकल रहा है, सेम टू सेम ग्लूकोज ही होता है ये। 200 ग्राम की मात्रा में एक पशु को आपको देना है महीने में मिनिमम 5 दिन।
हाँ, जैसे ही आप में पानी की कमी होती है, बहुत सारी कमियाँ होती है, वैसे ही ये पानी की कमियों को दूर करता है। तो और हरा चारा नहीं होने के कारण हरे चारे की जो पूर्ति करता है वो आपको बता दूँ, नेचुरल कंपनी का जो कैल्शियम होता है पाइथाकोल। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पाइथाकोल अच्छा है, इससे भी अच्छे अच्छे कैल्शियम है तो बेटा, पर मैं जो यूज़ करता हूँ मैं उसी की बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे कैल्शियम ये यूज़ करके देखे हैं, पर मुझे जिसमें रिजल्ट मिला है मैंने वही बताया है और उसी को यूज़ करता हूँ। ले भीमा, चल इधर आ, कर आ, करो आ, आ कर आ, आ, आ करो, ले लो अंदर। दो सौ ग्राम की मात्रा में पिलाना है इसको, और ऐसा नहीं कि आप दूध वाले को पिला सकते हो, आप किसी को भी पिला सकते हो, क्योंकि ग्लूकोज ऐसा तो नहीं है, जैसे आप ग्लूकोज लेते हो तो बच्चे भी लेते हैं, बड़े बड़े भी लेते हैं, सभी लेते हैं, तो ये गर्मियों के लिए स्पेशल है ग्लूकाबूस्ट। जो पशु आपका दूध पे नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है मेरा पशु दूध पे नहीं आ रहा है तो दूध पे कैसे लाऊं, तो उसी के लिए है ये। आप देख सकते हो वीडियो में स्क्रीन शॉट लेना, और एक बाटल एक ही पशु पर यूज़ करके देखना 3 दिन तक, आपको 110% इससे रिजल्ट मिलेगा। साथ में अदर पशुओं को जो दे रहा हूँ मैं, वो आप देख सकते हो इधर है, ये नेशनल कंपनी का पाइथाकोल, फाइटोकोल फाइटोकेल है ये, पर मैं तो पाइथाकोल ही बोलता हूँ। ये 20 लीटर की कैन है। आपको बता दूँ, मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बताता हूँ वीडियो के माध्यम से जो महंगा हो। मुझे पशुपालकों के खर्चे को कम करना है, ताकि सस्ते से सस्ते दवाई में, सस्ते से सस्ते कैल्शियम में उनको अच्छा प्रोडक्शन हो। वरना कैल्शियम तो 5 लीटर का भी 1500 रुपये का आता है, जबकि ये 2700-2800 रुपये की कैन है 20 लीटर की, 120-130 रुपये लीटर आपको पड़ता है। और एक पशु को 100 से 50 ग्राम देना है आपको रोज़, कहीं से कहीं तक महंगा नहीं है। और मैं मेरे फार्म में आपको बता दूं कि मिनरल मिक्सचर भी 50 रुपये किलो वाला सांची सुदाना का यूज़ करता हूँ मैं, ऐसा कोई केमिकल यूज़ नहीं करता हूँ जो महंगा हो। और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें आप मेरे पशु देख सकते हो, आपको बता दूँ मैं बच्चे भी देख सकते हो, बफेलो भी देख सकते हो, गाय भी देख सकते हो, भीम भी देख सकते हो, मेरा कनक पशु आर वो भी सस्ता ही है, और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दवाइयाँ मेडिसिन वो भी सस्ती है। तो मेरा जो दिखाने का आपका आपको समझाने का वो तरीका है कि कम लागत में आमदनी को कैसे बढ़ाना, नहीं तो कंपनी वाला आएगा, कंपनी वाला बहुत सारे आते हैं, हमारे पास 1400 रुपये लीटर की ऐसी दवाई है जिससे मिल्क प्रोडक्शन होगा, हमारे पास 1600 रुपये का ऐसा बैग है जिससे आपकी गाय अगर 10 लीटर लग रही तो 12 लगेगी। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने जैसे 1100 रुपये का बैग मेरा ख़रीदा और 1600 रुपये का आपने अदर कंपनी का बैग लिया, 50 किलो का, फीट की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1100 और 1600 में 500 रुपये का फ़र्क होता है। मेरे पास आते, मैंने उन कंपनियों वालों से ये बोला कि आप वो वाले बैग को खिलाओ और इसको खिलाओ, उसके बाद में आप पैसे भी जोड़ना, क्या आपके आपके बैग से मेरे पशु ने एक बैग खिलाने पे 600 रुपये का दूध ज़्यादा दिया क्या? नहीं दिया। मतलब एक समझने का तरीका है, फीट का बैग तो मेरे हिसाब से 1800-2000 का भी आता है, तो डायरेक्ट डबल, अगर उसकी लागत डबल हो रही है तो आप समझ सकते हो कि डबल आप खिला रहे हो। जैसे सुदाना का बैग 920 रुपये का है, लेडी जो आती है सुदाना 920 रुपये का, जो मैं सेल करता हूँ 920 का, वो है सामने वाला 1700-1800 का है, दूसरा एक बैग कंपनी का जो सभी लोग जानते हैं, मैं कोई कंपनी की बुराई नहीं करता हूँ। तो मैंने उनसे ये बोला कि मैं इस गाय को मेरा कनक सुदाना खिलाता हूँ, आप इस गाय को वो खिलाइए, उसके बाद में आप दोनों गाय का दूध जोड़िए और इसकी लागत जोड़िए, तो मेरा जो आपका 1800 रुपये का आपने मेरे को बेच दिया है उतना दूध मेरा बढ़ा नहीं है। भाई मेरे को दूध नहीं बढ़ाना, मुझे लागत भी तो कम करना है। सपोज़ करो कि मैं एक दिन के 10,000 रुपये कमाता हूँ और मेरा 9,000 रुपये खर्चा हो रहा है इन पशुओं पर, और आप सपोज़ करो कोई और एक दिन के 4,000 रुपये कमा रहा है और 1,000 खर्च कर रहा है, तो बचत किसको है, 10,000 वाले को है या 4,000 वाले को है? एक समझने का नज़रिया है। आप लागत को बढ़ा देते हो, एक दिन का 10,000 रुपये मैं कमा तो रहा हूँ पर मेरी लागत तो 9,000 रुपये लग रही है और तो मुझे बच 1,000 रहा है, और दूसरा कोई बंदा एक दिन के 4,000 कमा रहा है और 2,000 खर्च कर रहा है, तो फिर 2,000 बच रहे तो मेरे से ज़्यादा प्रॉफिट में तो वो रहेगा,
उस चीज़ को ध्यान रखना है। लगभग मेरा वीडियो में आपको समझाने का यही तरीका होता है कि जो डेयरी फार्म बंद हो गए, बंद होने की कगार में हैं, उनको ये समझा दूँ कि ज़्यादा इंजीनियर तौर पे नहीं जाना है, ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयों पे नहीं जाना है, ज़्यादा जो इंजीनियर लोग आते हैं कि इसको ये खिलाओ तो इसको वो खिलाओ तो इसको ये दो तो इसको वो दो, अपने को वैसा यूज़ नहीं करना है। अपने को सिंपल तरीके से अपना डेयरी फार्म यूज़ करना है, अपना मैनेज करना है, ताकि पशु भी आपका स्वस्थ रहे, आप भी स्वस्थ रहो। अब ऐसा नहीं है कि उसने तो बता दिया कि आपको तो 1400 रुपये लीटर की टॉनिक पिलाना है दूध बढ़ाने के लिए, आपको 1400 रुपये की टॉनिक कैसे पिलाओगे आप बताओ? और 1400 रुपये की टॉनिक आपने पिला भी दी तो आप फिर बचाओगे क्या? तो मेरा जो कंटेंट चल रहा है पशुपालन में वही चल रहा है कि लागत को कम करके प्रोडक्शन को बढ़ाना। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसमें लागत कम रहेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा। मेरा कनक पशु आहार भी सस्ता है, मैं गवर्नमेंट संस्था का सांची फुदाना यूज़ करता हूँ वो भी सस्ता ही है, मैं सांची संस्था का गवर्नमेंट संस्था का सुदाना यूज़ करता हूँ वो भी 50-60 रुपये किलो ही है, 130-140 रुपये किलो का वो नहीं है। मैं जो कैल्शियम नेचुरल कंपनी का पैथाकोल यूज़ कर रहा हूँ वो भी सस्ता ही है, मैंने आपको जो बताई है स्पीड अप ग्लूकाबोस्ट बताई वो भी सस्ती है। मैं हर चीज़ें सस्ती बताता हूँ कि अभी आपकी लागत को कम करना है, ना कि आपकी लागत को बढ़ाना है। वही हो गया कि दिन के 10,000 कमाना और 9,000 खर्च करना, तो 1,000 बचा के कहाँ डेयरी फार्म चलेगा? दिन के 4,000 कमाओ और 2,000 खर्च करो तो 2,000 आप ज़्यादा बचाओगे। तो लगभग मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई है। मेरी वीडियो गर्मियों में मिल्क प्रोडक्शन कम हुआ है, हर पशुपालकों का सभी की कमेंट आ रही है, DM आ रहा है कि दूध को कैसे बढ़ाएं, गर्मियों में दूध कम हो गया, तो उसके लिए आप स्पीड अप यूज़ करो। एक बोतल में आपको समझ में जाएगा, एक बोतल ज़रूर यूज़ करना, एक बोतल आपको यूज़ करोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके अंदर रिजल्ट है या नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि नेचुरल कंपनी ही ग्लूकाबोस्ट की वजह से चल रही है, हर कंपनी की एक ब्रांड होती है। जैसे मैं ही चल रहा हूँ, प्रीतम साखला चल रहा है, तो डेयरी फार्म पशुपालन की वजह से चल रहा है, बाकी अदर किसी वजह से नहीं चल रहा है। मैं नाच लूँगा गा लूँगा कुछ भी कर लूँगा तो मेरी वीडियो चलने वाली नहीं है, मेरी वीडियो पशुपालन पे चलने वाली है। तो मेरा जो ब्रांड है वो एक पशुपालन है, उसी प्रकार नेचुरल कंपनी का जो ब्रांड है वो ग्लूकाबोस्ट है। तो आप मेरे कहने से एक बार जरूर यूज़ कीजिए। और हाँ, मैंने नेचुरल कंपनी से एक चबंदी भी नहीं ली है कि मैंने उसका प्रमोशन किया है, मैंने पैसा लिया है, मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। मैं उसको यूज़ करता हूँ, मुझे रिजल्ट मिलता है। जो भी कंपनी का प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ उसका मुझे रिजल्ट मिलता है। मैं उसका आपके सामने फ़ोटो लाता हूँ कि आपको ये यूज़ करना है। क्योंकि मेरे कहने से आप 50,000 लोग भी मेरी वीडियो को देखते हो, मिनिमम 10,000 लोग देखते हो, 10,000 में से अगर 5,000 लोग ने भी ये चीज़ को यूज़ कर ली और उसका रिजल्ट गलत रहा तो आपके तो पैसे फालतू जाएंगे। इसलिए मैं वही चीज़ बताता हूँ जिसका रिजल्ट मिलता है। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई हुई। वीडियो को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हर पशुपालक तक पहुँचे, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचती रहे और आपका प्यार हमेशा बना रखे। जय श्री महाकाल सभी को।